नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल, आप देख रहे हैं हर पल की ब्रेकिंग न्यूज। साधुओं की निर्मम हत्या को लेकर के साधु संतों सहित नेताओं में भी रोष है। पूरे महाराष्ट्र में इसकी निंदा की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने रविवार को इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों को शीघ्र नहीं गिरफ्तार किया गया तो महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रयागराज में प्रवास कर रहे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक गांव में ब्रह्मलीन संत को समाधि देने जाते साधु संतों पर पुलिस की मौजूदगी में एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद कथित तौर पर इनकी हत्या भी कर दी गई। पालघर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन पर बात कर अखाड़ा परिषद ने भी अपना रोष जता दिया। वहीं महंत गिरी ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद अखाड़ा परिषद हरिद्वार में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाएगा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को भी चेताया है कि यदि सरकार ने हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो अखाड़े बैठक कर महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर पालघर की घटना की नाराजगी जताते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पालघर में साधुओं की हत्या पर फरहान अख्तर ने भी अपनी टिप्पणी दी है। बताया ये जा रहा है कि जिले में चोर होने के संदेह को गुरुवार को दो संतों और एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने घटना के दिन ही उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस साधुओं को बाहर लेकर निकल रही है और साधुओं को उनके हाथों से छीन लिया गया, जिसके बाद पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये लोग हैं कौन, उनकी मानसिकता क्या है और जिन्होंने धर्म के नाम पर अपने दिल और दिमाग में इतना जहर भर रखा है, आखिर वे हैं कौन जो समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, मजहब की राजनीति की जा रही है, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और मानवता को शर्मसार। इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में बवाल मचा है। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक, एक्टर, सिंगर और राइटर फरहान अख्तर ने ट्वीट करते हुए इस घटना को निंदनीय बताया। फरहान ने लिखा है कि पालघर में जो घटना हुई है और तीन लोगों की हत्या हुई है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। मॉब रूल के लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तीन लोगों की जान लेने वाले लोग जल्द से जल्द पकड़े जाए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट के साथ ये वायरल वीडियो। Yeah.